यूपी में नगर निकाय चुनाव समाप्त हो चुके हैं, लेकिन चुनावी नतीजों ने विपक्षी पार्टियों को फिर एक बार आगे की राजनीति पर सोचने को मजबूर कर दिया है। नमस्कार, हमारा नाम है मोहित और हम बात कर रहे हैं चार बार की मुख्यमंत्री रही मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की। जहां इन चुनावों में अब तक लग रहा था कि बीहार चुनाव में बसपा मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन 13 मई को जो नतीजे आए, उन नतीजों ने फिर एक बार बसपा की भविष्य की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, क्योंकि मेयर की 17 सीटों में से बसपा 15 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की जमानत तक नहीं बचा पाई। वहीं बसपा का समाजवादी पार्टी से भी बुरा प्रदर्शन रहा। अब ये भी जान लीजिए कि जिन सीटों पर बसपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई वो आखिर कौन कौन सी रही। जहां अयोध्या में 8.7% वोटों के साथ बसपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई, तो मथुरा में 12.7% वोट ही बसपा को मिल सके। इसके साथ ही कानपुर में 5.69% वोट बसपा को मिला, तो वहीं गाजियाबाद में 10.48% वोट बसपा को मिला। यहां पर अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 6% वोट मिला, झांसी में 9.99% वोट मिला और इसी के साथ प्रयागराज की सीट पर बसपा को 7.44% ही वोट मिल सके। और तो और, फिरोजाबाद में 18.72% वोट मिले। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद की सीट पर 5.45% वोट बसपा प्रत्याशी को मिले और लखनऊ में 7.34% वोट बसपा प्रत्याशी को मिले। वाराणसी में अगर बात करें तो वाराणसी में 5.78% वोट बसपा को मिला। वहीं जमानत जब्त कराने के साथ ही सबसे कम वोट बसपा को बरेली में 4.79% रहा और शाहजहांपुर में मेयर की सीट पर 3.4% वोट ही सिर्फ बसपा प्रत्याशी ले सके। वहीं सबसे ज्यादा अहम वे दो सीटें थी जहां पर पिछले चुनाव में बसपा ने जीत दर्ज की थी, तो उन सीटों पर भी बसपा इस बार चुनाव में अपनी जमानत नहीं बचा सकी। मेरठ की बात करें तो मेरठ में 9.41% वोट ही बसपा को मिल सका। इसके साथ ही अलीगढ़ की जो जीती हुई बसपा की सीट थी, इस बार के चुनाव में अलीगढ़ में बसपा सिर्फ 12.11% वोट ही ले सकी। यानी कि ये वो 15 मेयर की सीटें रही जहां पर बसपा को इतना कम वोट मिला कि बसपा प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। लेकिन आखिर वे दो कौन सी सीटें रही जिन पर बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो वो भी जान लीजिए। दरअसल सहारनपुर और आगरा की सीट पर बसपा का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिला, लेकिन जीत फिर भी भाजपा ने ही यहां पर दर्ज की। पता बात करें अगर सहारनपुर की, सहारनपुर में बसपा ने 43.31% वोट हासिल किए, जबकि आगरा में, आगरा की सीट पर 30.28% वोट बसपा प्रत्याशी को मिल सके। लेकिन मेयर चुनाव में बसपा एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी। बसपा के सभी राजनीतिक समीकरण नगर निगम के चुनाव में धरे के धरे रह गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी, जिसका राष्ट्रीय राजनीति में भी अच्छा खासा महत्व माना जाता रहा हो और माना जाता भी है, वोट प्रतिशत देखें तो वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले 2024 के चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ नया तरीका इख्तियार करती है। फिलहाल ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही दिलचस्प राजनीतिक समीकरण जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।